बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वो ही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। किसी भी विषय पर एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और अगर आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं हु इज़ बीइंग वॉच्ड बाय पीपल अराउंड, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी हैं, अगर वह कुछ भी बोल रहे हैं तो भाषा पर और विषय पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके पास पूरी टीम है जो आपके स्पीचेस लिख कर दे सकती है और आप उस स्पीच को टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ सकते हैं, जो कि ज़्यादा असरदार होगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात का रिस्क नहीं लेते कि वह कहीं भी बिना तैयारी के कुछ बोलें, तो राहुल गांधी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उन्हें यह बात समझाएगा कौन? कौन हिम्मत करेगा उन्हें यह बताने की कि आपके स्पीच देने के बाद उसके मीम्स बन जाते हैं या अपोजिशन को मौका मिल जाता है आपकी गलतियों को हाईलाइट करने का? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। सो इट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर हिम टू गेट योर स्पीच रिटन बाय द एक्सपर्ट्स और उसे आप टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ें। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर एक अच्छी स्पीच देना इज़ फार बेटर देन हंसी का पात्र बनना। मज़ा आया।